हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि WhatsApp का जो नोटिफिकेशन कंटेंट है उसे कैसे हाइड किया जाता है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप पास में मेरे मोबाइल में देख सकते हैं, अभी यहां पर मैं दूसरे मोबाइल से मैसेज करूँगा और यहाँ पर ये जो मैसेज है हमारे नोटिफिकेशन बार में दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर जो हाई करके लिखा हुआ आया है, तो ये जो नोटिफिकेशन है, इस तरह के जो नोटिफिकेशन है उसे कैसे बंद करना है। दोस्तों, बहुत सारे वीडियो आपने YouTube पर देखे होंगे लेकिन वो अधूरे वीडियो हैं, पूरी जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। दो चीज़ें आपको अपने मोबाइल में सेटिंग करनी होगी, वो सारी जानकारी मैं यहाँ पर बता दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको दो काम करने होंगे। सबसे पहला जो काम है वो मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को अंत तक देखना, मिस मत करना, क्योंकि दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको जो करना है वो इसके बाद में बताने वाला हूं और वही मेन काम होता है। सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप में चले जाइए। व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पर आपको तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करें। उसके बाद आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट लिखा हुआ है उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे प्राइवेसी में, और प्राइवेसी में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखा है फिंगरप्रिंट लॉक, तो इसको हम क्लिक करेंगे। अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट, आपको इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है शो कॉन्टेंट इन नोटिफिकेशन, तो इसको आपको बंद कर देना है। अब दोस्तों, ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा काम आपको करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐप लिखना है। ऐप लिखोगे तो यहाँ पर ऐप से जुड़े हुए सारे फीचर्स आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको जाना है ऐप प्राइवेसी एंड ऐप एनक्रिप्शन में, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्राइवेसी एंड ऐप एनक्रिप्शन लिखा है, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐप एनक्रिप्शन जो आ रहा है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी सारी ऐप आ गई हैं। अब आपको क्या करना है, व्हाट्सएप को ढूंढना है और उसके आगे ये जो बटन है उसे ऑन कर लेना है। तो हमारा जो व्हाट्सएप है वो एनक्रिप्ट हो गया है। अब इससे होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम ऐप मैनेजर में चले जाते हैं। ये रहा हमारा ऐप मैनेजर, ये रहा हमारा व्हाट्सएप, ये रहे हमारे नोटिफिकेशन की सेटिंग। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्प्ले नोटिफिकेशन डिटेल ऑन लॉक्ड स्क्रीन, द ऐप इज प्रोटेक्टेड विथ एनक्रिप्शन, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन डिटेल आर अनअवेलेबल। जैसे ही आप इसे ऑन कर लेते हैं तो आपके सारे जो नोटिफिकेशन आते थे बार के ऊपर या लॉक स्क्रीन में, वो सारे बंद हो जाएंगे। देखिए, अभी मैं आपको फिर से मैसेज करके बता देता हूँ। अभी ये मैं यहाँ पे मैं मैसेज करूँगा। ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ ये मैसेज नंबर आया है, जो डिटेल पहले दिखाई दे रही थी, कंटेंट जो दिखाई दे रहा था वो अब यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।